दाना ये? ये इसमें चूरा वगैरह नहीं भरते हैं हम, इसमें साफ रूई भरते हैं। ये 105 का हमारा होलसेल जाता है। अच्छा होलसेल जाता है। हाँ, ये प्राइस होता है भैया 180 रुपए का। 180 रुपए का ये जो मार्केट 300 रुपए का चलता है रिटेल में जी, ओनली 100 रुपए का, जिसे 200 रुपए का ढाई जैसे कस्टमर हो वैसे आदमी रिटेल में सेल करता है। 115 का पड़ता है होलसेल प्राइस। 115 रुपए का होलसेल में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स आज मैं आया हूँ बिलारी एक झूले और पर्दे के मैन्युफैक्चर के पास, जो खुद ही अपने मैन्युफैक्चर करते हैं और रेट यहाँ से सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत चीपेस्ट रेट में ये देने वाले हैं आपके पास झूले बच्चों के और जो पर्दे होते हैं घरों के वो। तो जानते हैं भैया के पास ये स्टार्टिंग प्राइस किस रेट से शुरू होती है और किस रेट में भैया देते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बिजनेस के अकॉर्डिंग इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम नफीस अहमद है। नफीस भाई, अच्छा नफीस भाई आप किस किस वैरायटी में डील करते हो, क्या क्या आइटम में डील करते हो? हमारा भैया के बच्चे का पालना बनता है। अच्छा भैया। और ये बच्चे का झूला बनता है छोटे बच्चे का, 5 साल तक के बच्चे का। अच्छा अच्छा भैया। और ये पर्दे बनते हैं गेटों के। आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो? जी हाँ खुद बनाते हैं। अच्छा, जैसे आपके पास जो वैरायटी स्टार्ट होती है किस प्राइस से स्टार्ट होती है? हमारे पास कम से कम 105 रुपए से वैरायटी शुरू होती है झूले की। 105 रुपए से जो रिटेल में 200 रुपए की 250 रुपए की 300 की बिकती है। झूला आप जो बनाते हो ये झूला जी 105 रुपए का होता है जी, 105 का हमारा होलसेल जाता है। अच्छा होलसेल जाता है। हाँ पक्के बिल पर 250-300 रुपए का बहुत इजीली जी, बहुत आराम से जाता है। अच्छा इसकी क्वालिटी के बारे में बताएं आप? क्वालिटी इसका हमारा सबसे फर्स्ट क्वालिटी लगती है, इसके अंदर हम वो डालते हैं फाइबर रुई। फाइबर रुई डालते हैं। ये देखो रुई हमारी ये पड़ी है फाइबर रुई। वो नहीं भरते हम चूरा या करता कोई वो नहीं। ये बच्चे का आप ये बनाते हो? ये बच्चे का होता है 1 साल तक के बच्चे का, जो बैठ नहीं पाता उसके लिए लेटने वाला। ये क्या प्राइस होगा भैया? ये प्राइस होता है 180 रुपए का। 180 रुपए का। ये जो मार्केट 300 रुपए का चलता है रिटेल में। 300 रुपए का रिटेल मार्केट में। उसके बाद क्या बनाते भैया? उसके बाद हमारे पास पर्दा बनता है 3-4 वैरायटी में। अच्छा पर्दे ये दिखा, ये भी आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? जी हाँ, ये हमारा खुद तैयार होता है, खुद घर पर तैयार करते हैं कटाई छल्ले वगैरह। पर्दा खोल के दिखाएं। ये देखिए पर्दा के साइज कितना था? 6x6 6x7 का साइज होता है ये। 6x7 का साइज। ये पड़ता 100 रुपए का। 100 रुपए ओनली? जी ओनली 100 रुपए का, जैसे 200 रुपए का ढाई जैसे कस्टमर हो वैसे आदमी रिटेल में सेल करता है। ये भैया किस हिसाब से होता है, मतलब पीस के हिसाब से ये रेट सेट आता है? नहीं पीस के हिसाब से होता है, बाकी हमारा होलसेल में जाता है, जितनी ग्राहक को क्वांटिटी चाहिए तमाल मिलता है। मतलब जैसे कोई एक पीस की दो पीस होगी तो मिल जाएगा उसको? नहीं ये तो रिटेल वाले करते हैं, हम होलसेल में देते हैं कम से कम। होलसेल में कम से कितने लेने होंगे? 50 पीस, 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस वालों के लिए 100 रुपए का पड़ेगा। हाँ 10 पीस की गड्डी होती है हमारी। 20 की गड्डी होती है, इसमें कलर अलग अलग होते हैं? सभी कलर देखो अलग अलग है। इसमें साइज होता है एक होता है 6x8 का। 4x8 का। तो इसका प्राइस होता है 110 रुपए। 110 रुपए। ये होता है एक पंचिंग वाला, इसमें डिजाइन आता है बीच में लग के। अच्छा ये देखो बहुत शानदार। ये भैया इसमें डिजाइन आ गया ये बीच में, इससे बोलते हैं पंच वाला पंचिंग डिजाइन में। बहुत शानदार। ये पड़ता है 115 रुपए का प्राइस में। कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है जी, पंचिंग कपड़ा होता है बढ़िया फर्स्ट वाला। कलर वाला निकल नहीं शिकायत तो? नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं कलर निकलेगा नहीं डिजाइन वो होगा डिफेक्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसमें जो है एक डिजाइन और आता है हमारा ये वाला पट्टी वाला, ये भी 115 का पड़ता है होलसेल प्राइस। 115 रुपए का होलसेल में। ये देखिए बहुत शानदार। और झूलों में हमारे पास देखना, झूलों में कई डिजाइन होंगे, झूलों में हमारे पास ये डिजाइन होता है देखो। झूलों में क्या डिजाइन होते हैं? ये बच्चे के गुड्डे वाले डिजाइन है। अच्छा अब ये रिटेल प्राइस करते हैं 200 रुपए का 250 रुपए का। बहुत इजीली बिक जाता जी आराम से। तो बिजनेस करने वाले के सबसे बेस्ट आइटम है, जैसे आपने देखे होंगे मार्केट में जो साइटों में लोग, हमारे पास GST पक्का बिल मिलेगा जी जी। अच्छा आप बिल दोगे बना के? पक्का बिल देंगे। ऑल इंडिया कहीं भी लेके जाएं आप, ऑनलाइन सिस्टम भी होगा? बिल्कुल ई वे बिल आपको माल मंगाता है, ई वे बिल देंगे। अच्छा ई वे बिल देंगे, उसका माल ट्रांसफर हो जाएगा? मतलब ई वे बिल का GST कस्टमर के ऊपर लगेगा। अच्छा कस्टमर का। लीजिए देखिए भैया के पास बहुत सारी वैरायटी लग रही है, माल के सारे आइटम लग रहे हैं, और ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं सारे आइटम जी। ये देखिए मैं आपको आगे दिखा दूं आप जी। जी ये सब कच्चा माल है, इसका पड़ा हुआ रुई वगैरह, ये तैयार हो रहा है माल। जब खाली पीस होता है इसमें रुई भरी भरी जाती है हमारे पास। ये इसमें रुई भरी जाती है फाइबर रुई, इसमें ये खाली में ये सिलाई हो गया था ना, ये इसमें चूरा वगैरह नहीं भरते हैं हम, इसमें साफ रुई। अच्छा ये सॉफ्ट वाली है ये जी, फाइबर रुई। मार्केट में कुछ लोग क्या कर रहे हैं इसकी जगह कुछ वैसा वो भरते हैं गंदा चूर, बच्चों को आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलेगा, फुल आराम मिलेगा, सॉफ्ट रहेगा। माल अच्छा लगाते हो? क्वालिटी अच्छी बनाते हैं, साइज बड़ा बनाते हैं हम। ये सब हमारे रुई वगैरह पड़ी है, तैयार हो रहा है, बच्चे तैयार कर रहे हैं, सिलाई वगैरह होती है इससे, तैयार हो रहा है। ये हमारे कारीगर हैं जो भराई कर रहे हैं इसकी। अच्छा ये कारीगर जी, ये सब कारीगर भी भराई कर रहे हैं, भराई सिलाई करते हैं ये। बाकी लेबर कोई होलसेल में लेना था तो कितने पीस लेने पड़ेंगे कम से कम उसको? कम से कम 50 पीस बता रहे हो, 50 पीस की प्राइस होगी, मतलब जो आप 105 रुपए का बता रहे हो जी, तो उसे कम से 50 पीस लेने होंगे। 50 पीस, 100 पीस, 500 पीस, आप कितने पीस लेते हैं? 50 से कम भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा 25-30 भी ले सकते हैं। अच्छा जो हमारी 5 पीस की गड्डी होती है एक, देखो आपको पूरी मिलेगी, आपको पीस की गड्डी दिखाता हूँ मैं।
राज्य को जाता है और स्टेट अदर। अच्छा, बिहार, आसाम, बंगाल, माल का? हाँ, माल और भी रखा है। फिलहाल कल गाड़ी भरी गई थी ना, तो माल बचा है। आप अच्छा, जैसे कोई आना चाहता है तो अपने आने का एड्रेस क्या होगा आपका? बिलारी चौधरी चरण सिंह पार्क, शहबाद रोड, बिलारी। अच्छा, जिला मुरादाबाद। 84499 22197। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी बात की नफीस भाई से और मैंने लगभग सब वैरायटी के बारे में आपको बता दिया है। ये अगर नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहली बात, यहाँ सिर्फ ओनली होलसेल का काम है, तो कोई भी नफीस भाई को एक पीस के लिए, दो पीस के लिए, तीन पीस के लिए फ़ोन ना करें। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही फ़ोन करें। एक दो पीस के लिए फ़ोन करना, भैया भी परेशान होते हैं, आपका भी टाइम बर्बाद होता है, तो उसमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ सिर्फ होलसेल का रेट है और होलसेल पर वैरायटी मिलने वाली है, और मेरे हिसाब से यहाँ से अच्छा आपको बेनिफिट कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि 105 रुपये की डायरेक्ट 250-300 रुपये की बिक रही है, तो वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। जो लोग मतलब फेरी कर रहे हैं और जैसे बहुत से शॉप भी हैं अपने जगह पे बना के, वही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है ये और काफ़ी बेनिफिट वाला बिजनेस है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बताएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।